जल जीवन मिशन में 16 हलके में 17 विभिन्न पेयजल योजनाओं के निर्माण पर 94 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने ग्राम पंचायत रैपुर में लगभग 10 लाख रुपए की लागत से बने पंचवटी पार्क और 26 लाख रुपए की लागत से रैपुर में लगाए ट्यूबवेल का लोकार्पण करने के उपरांत लोगों को दी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में 16 हलके में हर घर नल से जल योजना में 22,915 नल लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक 11,486 नल लगा दिए गए हैं। परमार ने कहा कि 16 का विकास रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, निरंतर विकास की प्रगति पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गांव की खुशहाली और विकास के लिए दर्जनों योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सुलर टंबा और ननाव पेयजल के सुधार और विस्तार पर 5,67,00,000 रुपए व्यय किए जा रहे हैं। यहां लोगों को संबोधित करते हुए परमार ने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में 20,000 से अधिक लोगों की कोरोना वैक्सीनेशन हो चुकी है। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है और सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए स्वेच्छा से आगे आना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलह में पशुपालन विभाग की और लाभार्थियों को हिमकड़क कड़कनाथ प्रजापति के चूजे भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि इसके मांस की गुणवत्ता और इसके उत्पादों में पोषक तथा औषधीय गुण होने के कारण इसकी मांग अधिक है। उन्होंने कहा कि हिमकड़क का उत्पादन स्वरोजगार से स्वावलंबन की दिशा में महत्वाकांक्षी परियोजना है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को हिमकड़क परियोजना को प्रदेश में मिशन के रूप में आरंभ कर किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस अवसर पर 20 प्रगतिशील किसानों को 26 चूजे प्रति किसान वितरित किए। ध्यान ना रखें और मास्क ना लगाएं, हाथों को ना धोएं, कृपया करके। संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है और एक साल पहले जो स्ट्रेन था उसे कई गुना प्रभावी स्ट्रेन है। पहले एक मामला आता था, अब एक ही घर में 5, 7, 10 मामले आ रहे हैं। कोई भी इलाका अछूता नहीं है। आप सुरक्षित रहें, आपकी ज़रूरत आपके परिवार के लोगों को है, गांव के लोगों को है, यही मैं कहना चाहता हूं। कोरोना महामारी से हम सुरक्षित तभी रह सकते हैं जब नियमों का पालन करेंगे। जिस तरीके से आज हम यहां पर बैठे हैं, दूर दूर बैठे हैं या दूर खड़े हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। जानते हैं या जानते हैं कि ये प्रजाति जो है ये कहीं मध्य प्रदेश के जंगलों में पाई जाती थी, तो इसको जंगलों में पाए जाने के बाद इसका आम जनमानस के लिए कैसे उपयोग हो सकता है, क्योंकि इसका वो अंडा है चाहे इसका मांस है, इसका जो लाभ है हमारे शरीर के लिए, जिसका जिक्र यहां पर हमारे डॉक्टर साहिबान ने किया, पर दूसरा इन्होंने ये भी कहा है कि ये हिम कड़क जो ऐसा मुर्गा पालन की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारे जिला कांगड़ा में शुरू हुई है और उसमें आज सुलह विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे रुचि रखने वाले 20 लोगों को, 20 किसानों को जो सही मायने में रुचि रखते हैं, जिनको जिज्ञासा है, जो अपनी आर्थिकी का एक माध्यम बनाने के लिए आगे आए हैं, जिनका संबंध हमारे पशुपालन विभाग के साथ है, जो समय समय पर इनके साथ और जो इनके साथ सरोकार रखते हैं, किसानों ने कुछ कहा कि व्यवस्था के अनुसार होती है, पर नए आयाम हम कैसे जोड़ सकते हैं। इन नए आयामों में मुझे पंचवटी पार्क के उद्घाटन करने का मौका मिला, मुझे आज यहां पर पीने के पानी ट्यूबवेल और उस पूजन करने का ट्यूबवेल ओवरहेड टैंक को देखने का मौका मिला। ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और सौभाग्यशाली इसलिए समझता हूं कि आप इसके चश्मदीद गवाह बन गए हैं कि आज की तारीख वर्षों पुरानी मांग
ये भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण की है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ।